हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बिहार का फेमस लिट्टी चोखा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए अब हम लिट्टी चोखा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिट्टी बनाने के लिए लहसुन अदरक और मिर्ची का पीस के पेस्ट बना लिया है। अगर आप चाहते इसको बारीकी से काट भी सकते हैं। और मैंने धनिया के पत्ते को बारीकी से काट लिया है, एक नींबू लिया और सत्तू। अब हम इसमें मिर्ची जो हमने पीस के रखा है, लहसुन और अदरक और धनिया का पत्ता डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे हम, लगभग 2 चम्मच तेल सरसों का। इसमें सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें क्योंकि सरसों के तेल से लिट्टी में टेस्ट अच्छा आता है। और नींबू का रस, देखिए नींबू को हम इस तरीके से छोटी से रस निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आम के अचार का जो मसाला होता है वो मिक्स कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिट्टी के लिए स्टफ तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आटा ले लिया है। अब आटे में हम अजवाइन क्रश करके डालेंगे। अजवाइन 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते, क्योंकि नमक हमने पहले ही सत्तू में डाल रखा है। अभी फ्रेंड्स, मैंने आटा गूंद लिया है। अभी 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देंगे ताकि आटे में सॉफ्टनेस आ जाए और हमारा लिट्टी सॉफ्ट बन के तैयार हो और फूला। देखिए फ्रेंड्स, हम लिट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिट्टी बनाने के लिए आटे की लोई ली है और इसको कटोरी की तरह बना लिया मैंने। देखिए इस तरीके से। अब इसमें सत्तू को भर देंगे और सत्तू को ऐसे धीरे धीरे दबाते हुए ऐसे करके इसको बंद करेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लिट्टी बन के तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आप लिट्टी को रख देंगे और इसको थोड़े थोड़े देर पे पलटते रहेंगे, नहीं तो हमारा लिट्टी जल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में इसी तरीके से आप लिट्टी बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लिट्टी कितना अच्छा पका है और इस तरीके से फटने लग जाते, इसका मतलब है कि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर जब लिट्टी फटने लग जाए तो हम आग में इसको बाहर निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, लिट्टी को इस तरीके से निकाल के हम कपड़े से साफ करेंगे, जिससे कि इसमें, देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम झाड़ लेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिट्टी को साफ कर लिया है। अब इसको घी में ऐसे डिप करके इस तरीके से, देखिए कितना अच्छा फट गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैगन को भी निकाल लिया है, हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी मिर्च को काट लिया है, लहसुन को भी काट लिया और नमक, और मैंने बैगन को पका लिया। अब इसको ऐसे इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे इसको भी इसमें मिक्स कर देती हूँ, इससे जो चोखा है और टेस्टी बनेगा। टमाटर भी पका के डाल सकते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लिट्टी और चोखा बनके तैयार है। आप भी इसी तरीके से बनाइए और खाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।